भगवान को छत्र लगाते हैं भगवान पर छत्र की छाया करने के लिए नहीं, भगवान की महिमा मंडित करने के लिए। छत्र लगाने का अर्थ है भगवान की महिमा मंडित करना। हमारे भगवान तीन लोक के नाथ हैं, ये छत्र से प्रदर्शित करना, प्रख्यापित करना, उनके गुणों को उजागर करना। छत्र लगाना भक्ति है। भक्ति में क्या होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है। और छत्र में क्या होता है, छत्र से हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। छत्र देख के देखो कि भगवान त्रिलोकी नाथ हैं, तीन लोक में उनके ज्ञान उनकी महिमा गा रहे हैं। और छत्र छाया में रहना, छत्र छाया का अर्थ उस छत्र के नीचे नहीं रहना, वो छत्र यानी ऊपर जो भवन आभा मंडल है भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहना, ये भक्ति है। छत्र छाया में जो भक्त रहता है और छत्र भगवान के ऊपर रहता है, वो भगवान की छत्र छाया नहीं है, वो भगवान का वैभव है। तो कितना अंतर होता है छत्र और छत्र छाया। भक्त की भक्त होता है छत्र छाया में, और भक्ति होती है छत्रपति छत्र की, ऐसा मानना।